तो देखो अठानवे लहंगा में गोलाई देवो बताऊं छु कढ़ाई वाला में। तो पहले आप अचाने ई की सीधी वाली कढ़ी की नाप ले बोला कतील बोझ आ रही जी की। तो देखो कि 38 आ रही है अपना है ना। तो यह अंडी की साइड है 38 पे निशान लगाऊं ला पा। इस साइड देखो मैं 38 पे लगा दी। बीच वाली सो ना पर फिर कटिंग करा चा पा निशान लगाओ चा। तो ये तरीका से ये निशान लगा ली मैं। ये गोलाई देवो चा पा कड़ी वाला लेंगा मैं कड़े जोड़ ने को लगा और फिर। तो देखो ये तरीका से निशान लगा लेंगा पा पूरी पे इस तरीका से 38 पे लगा रही जो पूरी पे मैं। तो देखो ये निशान लगा ली मैं ना भाई। आप ई कली की लंबाई ना आवे ना 20 आप सो ई तिरछी वाली कली की लंबाई लेवे और फिर निशान लगा कटिंग कर। तो देखो ये निशान लगा ली जंडा सो मैं कटिंग कर लू जी ई तरीका सो। तो ई तरीका सो कड़े वाला लहंगा में गोलाई दी जाओ जा। तो फिर ई से ई तरीका सो गोलाई दीजो। तो देखो ये तिरछी वाली कड़ी चाहिए या ज्यादा कटे चाहे और सीधी वाली कम कटे चाहे। तो ये तरीका सो आप पूरा ही कटिंग कर लिया लो निशान लगाया जंडा सो। तो फिर गोलाई लाग जाओ ले आप कड़े वाला लहंगा में। तो देखो आप एक कड़े वाला लहंगा में ये तरीका सो गोलाई दीजो। तो थे भी ये तरीका सो गोलाई दीजो लहंगा में निशान लगा फिर कटिंग कर। तो होगी निशान लगा कटिंग कर लिया आप पूरी। तो लहंगा की पूरी गोलाई होगी।